दर्शकवृंद नमस्कार, और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणी त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जात है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधि समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधि समाज के बारे में ये जानकारी पेश करे चाही थन। अवधि भाषी समाज कृषि प्रधान समाज हुए। यही समाज के संपूर्ण जनजीवन कृषि पेशा पर आधारित है। यही समाज के चाहे दैनिक जीवन हो या यही समाज में मनावा जाए वाली संस्कार व्रत और त्योहार, अवधि भाषी समाज का हरेक तह और तबका अपने हरेक क्षण में यहाँ की कृषि उत्पादन का उपयोग करत है, प्रयोग करत है। यही किस्म से ये कहा जा सकत है कि अवधि समाज अपने पारंपरिक जीवन का हरेक क्षण में कृषि उत्पादन का उपयोग करत है। वर्तमान में देखा जाए तो आजो के आधुनिक युग में अवधि समाज अपने कृषि उत्पादन में खासे बदलाव नहीं ला पाए है। ये सबके बावजूद आज अवधि समाज के कुछ कृषि क्षेत्र में काम करे वाले अगुआ किसान लोग यह क्षेत्र में अपने का गतिशील बनाए चुका हैं। यही मध्य के एक हुए ब्रिज बिहारी कुर्मी जी, आप कृषि क्षेत्र में काम करे वाले कृषक लोगन का और सरकार का काव कहे चाहत हैं? अब हम तो कृषक हुए, हम बी एक काम करित है कृषक, तो हम तो जब बचपने से यही में लगे हैं। जब से हम पढ़ लिख के अपन ICI करके अपन कृषि काम में अब बी में लगे हैं हम, और सबके सुझाव जिला भर जिला बाहर हम सबके समझाइत है खेती बढ़िया से करा जाए, समय से खेती के धान भय आलू भय तरकारी भय गेहूँ भय समय से लगावा जाए, अच्छा अच्छा जात के लगावा जाए। हमारे नेपाल के सूची किस जात लगावा जाए, अच्छा है रोग नहीं है में इंडियन ज़्यादातर में रोग बहुत चल गया है। धान देखा जाए सिवान में गेहूँ के दिन में जावा जाए फसल में, धान में जावा जाए बेजात बहुत तगड़ा है, देखा जी 3 तल्ले फुटत है। हमारे यहाँ नेपाल के जो चीज़ है में क्वालिटी है, लेकिन अब सरकार द्वारा यहाँ सुविधा नहीं है, ये नाते अब लोग ज़्यादा इंडिया के लायक धान लगाते हैं, गेहूँ हमारे देश के लिए एकदम फुल्ली लगावत हैं यहाँ, लेकिन धान के 20% यहाँ लगावत हैं, 80% इंडियन बॉर्डर खुला हो नाते सब पैकेट वाला वहरे से लावत हैं। ये नाते हमारे बी उत्पादक लोग के बहुत मरका है, हमन के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बोरा धान बनावेगा का मिल में भेजा गया बिक्री ना हो पाए, ऐसे किसान से हमन हमरों के दुखी है। किसान के खरीद खरीद रखा गया धान के बीऊ ना बिका, गेहूँ तो बिक जाते लेकिन धान ना बेच मिलत है इंडिया के मुकाबला। बॉर्डर खुला है, व्यवस्था बहुत यहाँ लूज है, ना ही हो सब इंडियन धान ला बेच देते हैं बॉर्डर से नुकाल आवत हैं, ये लाते गेहूँ बिक जाते हैं, धान में बहुत किसान के मरका है, बीच में बहुत तकलीफ है, हमारे प्रचार प्रसार करते रहे थे। आप लोग लोगन का जागरूक बनावे की खातिर आपन प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन एकरे बावजूद लोग अपने यहाँ के वातावरण के अनुकूल धान के बीया के प्रयोग नहीं करत हैं। इसे वो लोगन का आवे वाले दिन में कौने कौने किस्म के समस्या दिखाए मान हुई हैं, और वो लोगन का काव करे के चाहें तो? अब सब हाईब्रिड के जमाना, हाईब्रिड लाग लगाए देते हैं, वैसे यह हाईब्रिड लगवाई रह गए तो 10 साल में मट्टी एकदम उभरक शक्ति ख़त्म हो जाए, वकर सोर नीचे होते है, फिर आओ वाला लड़कियन के भविष्य खराब हो जाए। और जो हमन के यहाँ के धान गेहूँ है उसे अच्छा है, अभी हाईब्रिड के मात्रा में ज़्यादा जो यहाँ स्वाद भी नहीं रही, और 10 साल में एकदम मट्टी खराब हो जाए, फिर मल खाद छिड़क खो गया, गोबर गाय भैंस रहते हैं जानवर सब लोग घर में रखते हैं, अच्छा होता है उससे पैदावार, हरियो मल बनावे सब अपन बियाड़न में डालें, वह कुल अब कम हो जाते हैं, 80% कम हो गया, 20% लोग पालत हैं। और फिर सरकार के ध्यान दे चाहें गाय भैंसी के लिए सुविधा दे चाहें, और बाद तब पलते हैं लोग, अब प्लान हो जाते हैं, बहुत उसका दुख की बात है, और विषादी बहुत ढेर नावत है सब्जी में धान में, इससे बहुत खतरा होता है संभावना है, सब मट्टी बहुत खराब हो जी रहा टाइप देखा रोके पड़ा। आप कहा गए कि अवधि समाज के कृषक अपने खेती में प्रयोग किया जाए वाले धान और गेहूँ के बीया का लेकर वही किस्म से सचेत नहीं हैं जो ने किस्म से होए के चाहत रहा। यही संदर्भ में हमारे यहाँ उत्पादित धान और गेहूँ के बीया भारतीय बाजार में पावा जाए वाले बीयन से कौने कौने किस्म से फर्क हैं, और ये कौने कौने किस्म के समस्या उत्पन्न करत हैं? हमन के
जो इंडिया के बॉर्डर के नाते लोग गेहूँ ले आवत हैं, धान ले आवत हैं, पानी यहाँ समस्या है और पानी इंडिया के गेहूँ में 3 पटक पानी लगावत हैं तो अच्छा वहाँ उत्पादन कर पावत हैं, और हमारे यहाँ 1 पटक पानी में बहुत समस्या है लगाव के लिए, तो ही नाते हम नेपाल के गेहूँ दाना मोटा होता है, मजबूत होता है, रोग नहीं लागत है धान गेहूँ में, ऐसे हम के अच्छा होता है अपने देश के उत्पादन करल मूल प्रजनन उन्नत जो बी मिलत है नेपाल के। अब इंडिया से बॉर्डर खुला है ना, वह जाँच है ना कोनो लहसन वाला दुकान है, सब सीजन सीजन में हर बॉर्डर पे खुला बॉर्डर है, ले आवत हैं बेजात हो जाते हैं, वो आन्ही बॉर्डर में उड़ के ओकर बेजात कह देते हैं, और जो अच्छा वैरायटी लगाओ हम नुकसान पहुँचावत है। हमारे देश नेपाल में कौने कौने किस्म के बीया प्रयोग में हैं, और यहाँ पावा जाए वाली बीयन में कौने कौने किस्म के विशेषता पावा जात हैं? अब धान ऐसा है, धान यहाँ का सोचाई नहीं बूझ पावत है, हमारे बुझाई थे रेडियो द्वारा पत्र पत्रिका द्वारा नेपाल में अच्छा अच्छा जात सूचीकृत हो गए, हल्दी ना छा धान इतना बढ़िया है, साभा जैसा मशीनों है, चाउर भी बहुत खाम अच्छा पैदा भी है, कल्ला भी अच्छा उठाए है, बकिर अब लोग के सोचाई में गोरखनाथ संपूर्णा 64-44 मन में वह बैठ गया है, लोग खुनवा बॉर्डर भागत हैं, अलीगढ़वा बॉर्डर भागत हैं, अब धीरे धीरे का सोचाई लगवावा गया है प्रदर्शन में, अब 2 साल से समझावा बुझावा जाते हैं, अब धीरे धीरे जब रोग ज़्यादा लग जाए इंडियन धान में तभी हाल तब दौड़ी है फिर नेपाल के तरफ, और गेहूँ में समझ गया है कि कम पानी में अच्छा दाना पड़त है और मोटा गेहूँ होता है, दाना मोटा होता है, अब इंडियन है गेहूँ बो दी है, अगर सिंचाई 3 बार नहीं कर पाए तो दाना झीरी हो जाता है, इसलिए गेहूँ में बूझ गए हैं सर, लेकिन ये धान में ना ही बूझ पा है, सब इंडियन वैरायटी हाईब्रिड जान के सब लावत हैं, और 10 साल लगातार इसे हाईब्रिड लगाए दी है, तो 10 साल बाद आ वाला पीढ़ी के लिए बहुत समस्या हो जाए। आप भारतीय बाजार में पावा जाए वाली हाइब्रिड जात के धानन के विशेष रूप से चर्चा किया गया है, यह धान के बिया के प्रयोग किए से कौने कौने किस्म के समस्या आ सकत हैं? तो मट्टी पैदावार कम हो जाए बहुत, वकर शक्ति जो हाईब्रिड का सोर है 4 इंची तले जाते हैं वो हीच लेते हैं सब, तो हमें 10 किलो जहाँ डीएपी यूरिया लागे जहाँ 25 ना जाते बुझाते नहीं है, ओकर मर जाते है, ओकर एनपीके जो ओकर क्षमता है एकदम रोग टाइप हो जाता है, इसे ब्लास्ट लागत है खेत में, धान लगावा जाए ऐसे बैठल पीला हो जाते है सब लगाते लगाओ। नेपाल में खाद के उपलब्धता के समस्या पुरान समस्या मध्य के एक हो, यह बीच हमारे यहाँ यह समस्या के समाधान के खातिर अलग अलग किस्म के प्रयासों होते आए हैं, आज के दिन में खाद के उपलब्धता की अवस्था का आप कौने रूप में देखा जाता है? अब मल खाद की समस्या है जो है, मल खाद की समस्या बूझ नहीं पावत है, मल खाद की समस्या जितना यह लागत है वकर 10% 20 आवत है जितना जमीन है, और उसके बाद सहकारी समूह मार्फत बटत है तो हल्ला का करते हैं, मल खाद समय से ना वितरण हो पाए ना ही आया होगा, मले नहीं आ पावत है, जितना मल क्षेत्र में जरूरी है उतना ना ही आवत है, अब मान लो जब 54 बोरा 55 बोरा महीना में डाई दे दें, 130 बोरा यूरिया दे दें, चारे घर भरे पहुँची, जो एक आदमी 30-30 बोरा 20-20 बोरा लागत है मले नहीं आ पावत है, तो बेचारे कितना बांटे और का करें, 50% इंडिया के चोरी वोरी लाए आवत हैं किसान लोग लाद ओद के, और 50-25% नेपाल के खाद आवत है, 75 इंडिया का आवत है, वहीं घुल मिल कर निबह जाते हैं, और बस टोटल बॉर्डर लाख कह दो नेपाल सरकार का पता चल जी हमारे देश में कितना खाद लागत है, मले नहीं है, खाली हल्ला भर है कि ढेरे माल आए ढेर मराए, मले नहीं पूरा लाए पावत है, हम खुद सहकारी संस्था चलाई थे, हम खुद सीड कंपनी चलाई थे, मल लाई समझ दे पावत है, गेहूँ सीजन आई गए 20-25 रोज बाद, मल नहीं रही तो गेहूँ बोई नहीं जाई तो पैदा कैसे हुई, पर साल मल बिना गेहूँ आधा पैदा नहीं भाई, किसान एकदम मरका है, अब है ही नहीं है तो कैसे गेहूँ बोए, पूस माह में गेहूँ बोए हैं तो गेहूँ कितना हो जी। यह बीचे नेपाल सरकार के द्वारा खाद की समस्या का हल करे के खातिर तमाम किस्म के प्रयास शुरू किया गए हैं, आज एकरे खातिर संघीय प्रदेश और स्थानीय तीनों तरह से काम होते हैं, इस सब के भूमिकन से आप लोगन का कौने कौने किस्म के फायदा मिला है? अब साल पर साल से तो अशो अच्छा खादा है, कुछ पाए गए ज्यादा,
दुई साल से आवे लाग है, दुई सीजन से बीज वृद्धि कहकर के किसान गेहूँ लगाओ बीज वृद्धि सरकार प्रदेश सरकार उपलब्ध कराए हमल की सरकार के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि किसान के ऊपर कुछ सरकार में ध्यान जा लाग थोड़ा मल दे लागे बीज वृद्धि के लिए। नहीं एक बोरा नहीं सुनवाई रहा, वह समूह द्वारा एक बोरा मिले उसे बीज वृद्धि देश चली था, मल ही नहीं है तो हम लोग का बीज वृद्धि कैसे हुई। लेकिन दुई सीजन से गेहूँ धान से सरकार दे लाग हमारे पावा गए बाँटा गए जो बीज वृद्धि करत है और ऐसे फिर आ जाए गेहूँ में तो किसान के राहत हो जाए और कहीं ना ही फिर आए तो फिर गेहूँ के लिए बहुत समस्या हो जी। और जो मल खाद है कम आते है सर, खेत ज़्यादा है कपिर वस्तु रूपन दे है। अब जमीन ज़्यादा है वे हिसाब के अनुपात का डाटा नहीं निकाले हैं, मल बहुत कम आवत है उससे पूर्ति नहीं हो पाई चाहे जितना सब परेशान रहे। जब तक जितना 10 बोरा काम है तो 8 बोरा 10 बोरा नहीं आई, 3 बोरा आई तो 3 में छोड़ा छीनी मचाए हैं बस वही में नहीं हो पावत है, इसीलिए हरदम दुख रही सर बहुत परेशानी है। यही क्रम में आप कृषि में विषाद के प्रयोगों के बारे में चर्चा किया गया। अवधि समाज के कृषक कौने कौने किस्म के विषाद के प्रयोग करत हैं, एकरे साथ है कृषि उत्पादन में और कौने कौने किस्म का रसायन प्रयोग होत हैं और इसे का का हानि और नुकसान होत हैं। सब विषादी छोड़ छोड़ एकदम बहुत हाई विषादी डाल देते हैं, जो लो होते है ओका डारे चाहिए जे जौन पाओ थे डाल देते। अब समझाओ थे कृषि ज्ञान के भी कि चीज हालो ई ना हालो मानत नहीं है, सब इंडिया से लाए के तगड़ा कराटे वाल चलाए देते हैं। देखा जा किसान के केरा है कार्बाइड से ना पकाए के सब केमिकल में सांझा के केमिकल लाइन सवेरे पक जाते है केरा आदमी हम लोग किसान लोग खावा जाते है उसे रोग ज़्यादा हो जाए सब 100% वही से पकावत हैं। अब केला वाला में कितना विषादी ना आए तो पक जाते है रात भरे, कल जान लिया जाए कि बेचे खा तो आज केमिकल से पकाए देते हैं तो शरीर के लिए बहुत भारी इफेक्ट पड़ता है सर। एकरे लिए रोक हो चाहिए सरकार से, केमिकल वाला चीज़ पर रोक हो चाहिए। पब्लिक ना ही बूझ पाओ, पब्लिक आए बाजार में पैसा दें केरा लेन उन्हें लाल केरा चाहिए ताज़ा और अगर शाम के ले गए सवेरे भरे ना ही खा लें तो पिघल के बहाव लायक हो जाता है, वो एकदम गल के घर ही पुलिस हो जाते है वो कर ख़त्म हो जाता है। और जो बढ़िया केरा पकल भट्टी रहता है जो जौन विषादी ना ही पड़त है केमिकल वो आप 10 दिन धरे रहो महकी भी वकर गमक भी अलगे रही खाम टेस्ट भी रही शरीर के लिए इफेक्ट नहीं रही। अब वकर सोचाई बुझाई हमरे बुझौते हैं ना ही बुझत है, लोग 2 रुपया सस्ता चाहिए और तुरंत चाहिए माल तैयार रेडी। और देखा जाए जितना केला है आप केला भय सेव आप खरीद कर ले जाओ जी 2 दिन में वो गंधा लागत है वो रोक नहीं पाओ जी, घर में फ्रिज है तब वो नहीं रोक पाओ जी, सब केमिकल टोटल 90% केमिकल। अब भट्टी लगो ही नहीं चाहत है उससे बहुत बड़ा हानि है कृषक के लिए भी। ये हरेक समस्या के समाधान के खातिर अवधि समाज के कृषक लोगन का अपने कार्यशैली में कौने कौने किस्म के बदलाव लावे के जरूरत देखा जाता है और सरकार के अलग अलग निकाय के द्वारा कौने कौने किस्म के प्रयास किया जाता है। अब देखा सरकार द्वारा अनुदान दें एका जैविक मल बनवावें केमिकल थोड़ा कम विषादी आला मात्रा कम करावें एका सिखावत हैं जोन से भी सिखावत हैं कृषि ज्ञान केंद्र से भी सिखावत हैं। लेकिन जो सिखाओ चाहिए जो बजट चाहिए सरकार उस पर लगानी लगाई तब बनाई मल बनाई दिखाई है तब बनी तब जनता समझ जाए तो लगाई। एक तरफ रासायनिक खाद आदि के प्रयोग के नाते कृषि उत्पादन योग्य जमीन के उर्वरा शक्ति खत्म हो जात है तो दूसरे ओर ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन के मूल स्रोत गाय गोरु सड़किन पर खुला रूप में घूमत हैं। ये सब का उपयोग कैके हमारे ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन का कैसे बढ़ावा जा सकत है एकरे खातिर का करे की जरूरत देखा जात है। गाय बहुत छोटा छाड़ा व्यवस्था बहुत नहीं है, देखा जाए तौले में 200 गाय ठहरल थी बेवारिश। अब कम से कम सरकार से एका जंगल के तरफ या कहूँ ऐलानी जगह में एका इकट्ठे कराए के एक तलब वलब दे के आदमी राख के का सेवा जतन करे गोबर मल भी तैयार हो जाए उसे पशु के लिए सुविधा भी हो जाए और आदमी अगर तलब पाई तो देखा जाए 70% आदमी विदेश चला गए एक ठो लेबर नहीं मिला था धान गेहूँ काटे वाले सब विदेश भागत है तब है ही नहीं कुछ यहाँ बेचारे का करें सब विदेश भागत है। अब वही पे सरकार लगानी लगाए दे कि जाओ गांव में वार्ड में अपने अपने गाय गोरु व्यवस्था करो तो अब तुरंत हो जाए व्यवस्था
क्यों ध्यान नहीं दे था नगर पालिका वार्ड प्रदेश पे ध्यान नहीं दे था सर। सब देखा जाए कितना दुर्भाग्य है। अब शाम के टाइम बसा आधा घंटा लाग जी क्रास हो सब छाड़ा व्यवस्था गड़बड़। किसान भी परेशान है, रात भर अपन धान गेहूँ रखावत है, हाकत है, इसे चरत है, खात है बेचारे। रासायनिक खाद की जगह ही आगामी दिन में ऑर्गेनिक खाद के प्रयोग किए से यह समाज के लोगन का कौने कौने किस्म के फायदा हो के अवस्था देखा जाता है। ऑर्गेनिक खाद से हमन का पहला नंबर तो जो रोग है इस शरीर में देखा जाए 50% लोग जितना कमाओ जाते सब दवाई में जाते। ये केमिकल से और हमन के रासायनिक मल से बहुत क्षति होते शरीर के लिए भी जमीन के लिए भी। अभी ऑर्गेनिक हो जाता है तो ऐसे जहाँ आदमी 60 साल जिए तो 80 भी है, शरीर भी मजबूत रही, खान टेस्ट भी रही। अभी बहुत अच्छा है कि सरकार के सुविधा देख पड़ा, सिखावे पड़ा, का तरीका बताओ पड़ा। जब तक कि हो ही ना, एक दिन हो ही पड़ी नहीं तो आदमी सब पीड़ित हो जाए, शुगर से, ब्लड प्रेशर से आदमी बहुत पीड़ित हो जाए। अगर यह मेरे केमिकल और रासायनिक मल डाल रह गए तो बहुत पीड़ित हो जाए सर। 10 साल बाद देखा जब 30% शुगर हो चुका, ब्लड प्रेशर हो चुका, आदमी बीमारी फैल चुका। जब तक पहले जमाना घटनाएं आई तब ना हो पाई, बहुत आदमी टेंशन में रहे, सुखी ना रहे। जैविक मल पे आओ पड़ा, हरियो मल पे आओ पड़ा, पुरान विधि में आओ पड़ा। जैसे पुरान लोग का पहले बट्टम चाय पियते हैं, पुरानी पातम भात खाते हैं, कितना स्वादिष्ट मिलता है बढ़िया से। अब सब रेडीमेड है चला है, गिलास पियो रेडीमेड, पत्तल भी रेडीमेड, कौन चीज़ खेती काम करो सब रेडीमेड, प्लास्टिक यूज बहुत बड़ा हानिकारक है। पहले जमाना वाला सिस्टम कुल बदला जाता है। अब जब रोग शुरू हो गए सब परेशान हो लागे तो फिर अब पुरान अवधि हेरे लागे, नहीं सब लोप हो जाता है सर। आप बीज उत्पादक किसान हुआ जाता है, इस धान के बिया की उपलब्धता के हिसाब से देखा जाए तो अवधि समाज में प्रयोग किया जाए वाले पारंपरिक बियन में कौने कौने किस्म के विशेषता रहे हैं। पहले काला नमक घर में रहा था, लगावा जाता था, यह टोला बना था तो वह टोला अड़ोसी पड़ोसी महकत रहा, वो का बसनादार धाने खत्म कर दिन, सब हाईब्रिड में बाज गए। आनंदी रहा, लावा भुजा खावा जाता खूब बढ़िया मीठा लावा आलू घर में भूज के लोग खाते हैं किसान लोग, कितना अच्छा रहा। सब अब आई गए चाउमिन मोमो फुल्की चाट, सब लीवर कमजोर वाला ऊपे अब आई हैं 10 साल बाद पीड़ित हो गई हैं तब आई हैं। यही किस्म से कृषि क्षेत्र में काम करे वाले किसान लोगन का और कौने कौने किस्म के समस्या का झेले के परत है। हमारे सरकार से पीड़ित हैं, इतना कर समय से मल खाद नहीं, धान किसान के उत्पादन हो जाते हैं कि वो पूछे वाला नहीं कहाँ बेचे जावे, जब गोदाम के व्यवस्था नहीं है, बहुत समस्या किसान के पूछा जाए जे लेबर राख के खेती करते थे 10 पैसा बचे वाला नहीं, 500-700 रुपया लेबर मजूरी हो गए, महंगाई चरम सीमा है, कर इतना महंग हो गए, विद्युत इतना महंग हो गए, गाड़ी एक ठूस धवानी खमरे ले जाए तो पैसे छूटे नहीं है। जोन गाड़ी इंडियम 10 लाख के मिलते हैं, 80 लाख के मिलते हैं, आज इतना पीड़ित है। खाली भंसार भर कृषि के लिए छूट कह दें कि कृषि गाड़ी के लिए भी उत्पादक के लिए छूट कह दें, समूह संस्था के लिए कह दें कि हम अनुदान ना दे पाए, भंसार छूट कह दें, तब यहाँ के किसान या देश के किसान एकदम बहुत खुश रही ना ही क्यों सुनत है, हम बहुत परेशान हो गए। आप खुद एक अगुआ किसान हुआ जाता है, आपके संपूर्ण जनजीवन कृषि पेशा पर आधारित है, इन तमाम समस्या के बावजूद आप कृषि उत्पादन से कैसे फायदा उठावा जाता है। हम तो बहुत लगन से करी थे, बहुत वैज्ञानिक तरीके से करी थे, तो थोड़ा बहुत बच जाता है सर। एकदम बिल्कुल हम बिया बना को का बने जितना हम उत्पादन करी थे कुछ ब्यू में लगाए थे, तब जा थोड़ा बहुत बच पावत है। और कुल खाद्यान्न में जात तो हमारे जाना जाए कि घर से बने हर साल 10 बीघा बिकवे करत, बचत ना हो लेबर राख कर। अब तो कंपाइन वगैरह चल गया है, बचत हो जाते हैं कुछ। और लेबर द्वारा पहले हमारे खेती कराते हैं तो वका प्यारी नावा जाए, वका ओसावा जाए, वका झुरवावा जाए, वका भखारी में धरा जाए, तो कुल अब मजूरी भर वका बेच के देवा जी बराबर हो जाता है, लगानी ज़्यादा लागत है। अब कुछ यंत्र चल गया है ऐसे कुछ सुविधा हो। आप लोग एक 2 वर्ष पहले धान बैठावे की खातिर मशीन के प्रयोग किया गया रहा, आप धान बैठावे वाले यह मशीन के उपयोगिता का
कौने रूप में देखा जात है। मशीन आई गए फर्स्ट क्लास, बिसादरी डाला, ड्रोन आई गए ऊपर से, आपका 500 बीघा एक दिन में डाल दी, सब कोरियन मशीन आई गए, कोबेटा का बैठा देता है 30-40 बीघा रोज, मद्रास में घर घर है, हमारे ससुराल में भी रखे हैं, 10 साल से आदमी नहीं बैठा होते, मशीने से बैठा होते, नेपाल में चितौन उतौन आए गए, आपका रूपंदेह आए गए, 2-1 साल में ही हो जाए, हम 1 साल लाए रहें, बाकी थोड़ा अपन नहीं ले पाए, रिश्तेदार के लाए रहे, हरदा डेहवा लगाए रहे, सिकोटवा लगाए रहे, वैसा मौसम खराब हो गए, और बिया समय समय नहीं बोए पा रहे, वो बिया थोड़ा रगवही हम बोए कर 25-30 दिन के अंदर रोपाई करे पड़ा, थोड़ा मन के लेट हो गया रहा मशीन, अब यहाँ ही रहा मंगनी का मशीन रहा, लावे थे वो मशीन, अब हम मन के कास्ट बहुत पड़े ला, मजूरी लेबर चार्ज बहुत हो गया, अब लोहे पड़ी ओकर लावे है सर, वो लावे है, अब से कहा जाए जीरो टिल आई गए, इतना बढ़िया गेहूँ ओकर उत्पादन होता है फर्स्ट क्लास, कम बिया में ज़्यादा उत्पादन होता है, अब रूटा बेटर आई गए, कौन गोड़े मनइए नहीं मिला था, अगर रूटा बेटर से बढ़िया भी जीरो टिल आई गए, जोतबो करी मल खाद बराबर गिराई, पैदावार बढ़ाई, बहुत बढ़िया बढ़िया यंत्र आई गए है, अब किसान के लिए अच्छा रही। भारत में कृषि उत्पादन में प्रयोग किया जाए वाले बिया मशीन आदि में छूट उपलब्ध हैं, जौन की सबका सहजता के साथ मिल जाते हैं, हमारे देश में ये सबके उपलब्धता के अवस्था कैसन है? कृषि छूट नहीं है, योजना निकालत है जौन से कृषि ज्ञान केंद्र से पड़ जाते हैं तब छूट है, और इंडिया घर डायरेक्ट ना है कि जाओ खरीदो खातम पैसा डाल दो 50% छूट, वो व्यवस्था एना ही है, फार्म भरे परी प्रपोजल बना परी पड़ जाए तब छूट है, और इंडिया में तो किसान के लिए डायरेक्ट छूट दे देते हैं, पैसा आप जमा कर दियो तो तुम्हारा तो पैसा वही में रिटर्न आ जाए, वहाँ का सरकार इतना नहीं हुआ है, वहाँ सिंचाई उचाई बोरिंग वोरिंग में बहुत छूट आए गए इंडिया में, और यू है यू पे देत है सरकार, जोन भय नगर पालिका भय कहूँ कहूँ जहाँ अच्छा मेयर हैं देत है, यू कृषि ज्ञान केंद्र भय लगभग लगभग बोरिंग हर साल गढ़ते जाते हैं, विकास के बढ़ते जाते हैं, सिंचाई बढ़ाते हैं, लेकिन अई कर से और ये बिया से महंगाई से सब परेशान है, बहुत महंगाई है, महंग है नेपाल में, लोग इंडिया भाग जाते हैं। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन, आप दर्शक महान भाव लोगों से और काका कहे चाहा जात है? हम एक कृषक के अगुआ के मार्फत से ही कहे चाहित है कि प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार से कृषि में जब तक लगानी ना छूटिए हैं, जब तक कि हमन के विकास हमारे कतनों कुल चीज़ कमा लाई तो कुल पैसा इंडिया में चला जाए, कुछ आलू में चला जाए, कुछ प्याज में चला जाए, कुछ चावल में चला जाए, कुछ जो अच्छा या ना उत्पादन हो पाए तो घूम कर ही रुपये चला जाता तो हमारे देश का घाटा नहीं है, तो एक लिए सरकार ध्यान दे ही उत्पादन कराओ ही का आत्म पैसा तो बची, अपने देश का पैसा अपने देश में तो रह जाए, कहे दूसरे देश में जाए, यही किसान सभा चेत रही ना ही करी है, हम कहे ऐसे प्लान होते सब 80-70% लड़के नौजवान सब चला जाते बम्बई गुजरात पूना तो सऊदी कटर दुबई मलेशिया, गांव में लड़के नहीं दिखाते हैं, क्या करें, दुखी हैं, कुछ सुविधा नहीं है, बहुत दुखी हैं, हमरहीन के है ढोवाने के लिए गाड़ी हेरा जाते कहीं नहीं है, इतना एक गाड़ी एक दाम 80-80 हज़ार लाख है, अब चढ़े के लिए गाड़ी लेवा जाए जो इंडिया में 12 लाख मिलत है जो 1.5 करोड़ है, कैसे दुखी नहीं है हम लोग, कृषियों के लिए नहीं भंसार छूट करते हैं, बहुत पीड़ा है सर, बहुत पीड़ा है, ढोवाने के लिए हम बहुत जगह मैंने ट्राई की हन कहीं से नहीं उपलब्धि हुआ, एक पिकअप के लिए मूल भी उत्पादक हुई जिला और जिला बाहर हमन के गेहूँ धान भेजे रहते हैं, हरदम हमें गाड़ी भाड़ ले पड़ा, बहुत कहन कहीं बजटे नहीं छुट्टी आए देवे नहीं कि आधो अनुदान पे नहीं मिल पाए, और बाद भंसार भर छूट दे दें तो किसान ले ली ना, बहुत कृषि कार्य के लिए सुनते नहीं हैं, प्रदेशों में केंद्रों में जे जाते हैं भुलाए जाते हैं, बस अपने बात जाते हैं, रोड में बाजार के विकास करें, किसान के मार्फत पे आवाज़ें नहीं उठाते हैं कि किसान माने कितना दुखी हैं, ख़त्म एकदम है, नहीं किसान के बारे में नियम से 30% लगानी किसान में छुटिया दें 70 देश में चाहे जहां लगावें, अब किसान आगे बढ़ जाइए बहुत आगे उठ जाइए, किसान बहुत दुखी है, कुछ है ये नहीं जाना जाए, नाव मात्रा है बस खाली बस जियत हैं बेचारे, प्रदेश में चला जाओ कुछ बजट नहीं है, कृषि ज्ञान केंद्र में पता लगा लो है ये नहीं बजट है,
वो थोड़े भिंडी भी वह दो चार पैकेट पाए जे पाए जाए नहीं हो पाकेट वॉकेट चलाए भी हैं आम आदमी के लिए कुछ नहीं, बहुत दुखी हैं। ये नाते लोग सब इंडिया भाग जाते हैं बाजार करे लावे जो सामान सस्ता भी पाए जाते हैं इंडिया में लाओ तो बेजात भी ले आओ तो बिना सोची किस भी लगा देते हैं उसे भी हमन के देश के नुकसान है भाई, नहीं व्यवस्था ही नहीं है। और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए, नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए, नमस्कार।